दोस्तों, हमारे यूपी में बड़ी मशहूर कहावत है कि पुराना चावल भभक दे या ना दे, मगर खुशबू बड़ी प्यारी देता है। मतलब कि एक्सपीरियंस की इम्पोर्टेंस टैलेंट से भी ज्यादा है। लेकिन आज 15 सेकंड में वीडियो निपटाने वाली जनरेशन को इस बात की अहमियत नहीं है। इसलिए जब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के ऑक्शन में कई यंग प्लेयर अनसोल्ड जाएं तो बात बनती है, मगर दूसरी तरफ कोई पुराना प्लेयर खरीद लिया जाए तो चर्चा तब होती है। लोग सवाल खड़े करते हैं कि जवानों की रेस में उम्र दराजों का क्या काम, T20 में टेस्ट के स्टार क्या कर लेंगे। मगर इस साल के IPL ने यह धारणा तो पूरी तरह बदल दी है कि क्रिकेट के पुराने चावल IPL में दम नहीं भर सकते हैं, बल्कि इस बार नए नवेले करोड़पतियों से ज्यादा जलवा हमारे देसी पुराने चावलों ने बिखेरा है। बैंगलोर से लेकर चेन्नई तक और मुंबई से लेकर राजस्थान तक, हर टीम की कामयाबी में कहीं न कहीं एक्सपीरियंस प्लेयर ने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस साल हुए अभी तक IPL के टॉप 5 ऐसे प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने यंग जनरेशन के T20 प्लेयर होने की डेफिनेशन के उलट जाते हुए भी कमाल का खेल दिखाया और मुंह तोड़ परफॉर्मेंस दी। तो चलिए क्रिक माइंड के स्पेशल एपिसोड में IPL 2023 को अभी तक अपनी खुशबू से महकाने वाले टॉप 5 पुराने चावलों की बातें करते हैं। जब IPL शुरू हुआ तो मोहित शर्मा ऑक्शन टेबल पर खाली जा चुके थे। उन्हें इंडिया के लिए खेले हुए अरसा तो हो ही गया है और IPL का आखिरी मैच भी 2020 में खेला था। इसलिए जब मोहित शर्मा पर कोई सवाल आता तो फैंस और एक्सपर्ट उनके करियर के एंड होने वाली बातों को 100% सही मान लेते थे। लेकिन ये जिंदगी है, यहाँ अगले पल क्या हो किसी को नहीं पता। इस तर्ज पर ही गुजरात का एक देसी प्लेयर चोटिल हुआ तो मोहित शर्मा को उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया, क्योंकि मोहित पिछली बार गुजरात टीम से नेट बॉलर के रूप में जुड़े हुए थे। यही वजह रही कि स्टाफ का उनसे बॉन्ड था और उन्हें मौका मिलने में देर नहीं लगी। हालांकि IPL की कई करिश्माई कहानियां सुनने के बाद ये सब आम ही लगता है। वैसे भी असल कहानी है मोहित शर्मा की परफॉर्मेंस। उन्होंने IPL में अभी तक सिर्फ 2 मैच खेले हैं। उन दोनों हाई स्कोरिंग मैचों में मोहित ने 6 ओवरों में कुल 25 रन दिए और 2 विकेट लिए हैं। मोहित कहीं न कहीं गुजरात बॉलिंग की एक सरप्राइज कड़ी बन गए हैं, वो भी तब जब उनकी 35 साल की उम्र का हवाला देकर उन्हें इग्नोर किया गया था और करियर खत्म होने का ऐलान तक कर दिया गया था। ये नाम इस IPL में इस तरह से चमकेगा शायद ही किसी को उम्मीद होगी। हालांकि 34 साल के पीयूष चावला IPL में वैसे 161 मैच खेल चुके हैं, मगर इसके बावजूद कोलकाता से उनके रिलीज होने के बाद और पिछले 2 सीजनों में मुंबई का हिस्सा रहते हुए भी गुमनाम रहने के बाद चावला के करियर को खत्म गिन लिया गया था। मगर इस IPL में मुंबई अलग स्ट्रेटेजी के साथ उतरा। उन्होंने वानखेड़े के मैदान पर पीयूष को मौका दिया कि अपने एक्सपीरियंस, अपनी चालाकी और अपने स्किल्स के दम पर बैटर्स को ललचाएं और स्पिन के जाल में फंसाएं। मुंबई स्टाफ से मिले इस भरोसे पर खरे उतरते हुए चावला ने मौके को दोनों हाथों से लपका और शानदार खेल दिखाया। उन्होंने भले ही पहले मैच में कोई विकेट नहीं लिए, मगर 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए, जबकि अगले 2 मैचों में 1 और 3 विकेट भी हासिल किए। वैसे विकेट लेने के अलावा जिस एक चीज ने हमें चावला को इस लिस्ट में शामिल करने के लिए मजबूर किया है, वो है उनका एटीट्यूड। चावला भले ही IPL का हिस्सा पिछले 16 साल से, मगर इस बार उनकी चाल, उनके फेस और उनकी बॉलिंग में एक कॉन्फिडेंट झलक रहा है। वो जब भी पिच पर आते हैं तो विकेट की महक आने लगती है, जैसे उनके रहने से मुंबई का स्पिन अटैक महक रहा है। जब से IPL शुरू हुआ तब से लेकर कई सालों तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कभी भी पुराने प्लेयर्स की टीम नहीं गिना गया। वो हमेशा ऐसे खिलाड़ियों से सजी हुई दिखती थी जो प्रेजेंट में क्रिकेट पिच पर आग लगा रहे हैं, मगर पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली है। डिविलियर्स, कोहली, मैक्सवेल और डुप्लेसी के बाद उनका एक्सपीरियंस रखने वाले प्लेयर्स पर भरोसा बढ़ा है। इसलिए बैंगलोर के स्क्वाड में कुछ गुमनाम मगर अनुभवी इंडियन प्लेयर्स भी दिखते हैं। इस साल ऐसे प्लेयर का नाम है करण शर्मा। हालांकि वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में गुमनाम है, क्योंकि IPL की गलियों में तो फिर से मशहूर हो गए अपने इस बॉलिंग परफॉर्मेंस से। उन्होंने 2020 के बाद पहली बार इस साल मुंबई के खिलाफ मौका मिलने पर जिस तरह से 32 रन देकर 2 विकेट लिए और अपने टैलेंट को एक्सपीरियंस से मिलाकर बैटर्स के लिए बॉल्स खेलना नामुमकिन कर दिया, वो वाकई काबिले तारीफ था। इसके बाद अगले मैच में कोलकाता जैसे छोटे ग्राउंड और सपाट पिच पर भी सिर्फ 26 रन देकर 2 विकेट लेते हुए कमाल का खेल दिखाया। हालांकि लखनऊ के सामने वो महंगे रहे, लेकिन विकेट लेस तब भी नहीं रहे। साफ साफ कहे तो बैंगलोर के अच्छे स्पिनर पर बिना लड़खड़ाते बैलेंस करण शर्मा ने काफी हद तक कुछ बेहतर किया है, वो भी इस उम्र में जिसमें रहना जैसे सुपरस्टार तक को IPL ने ठुकरा दिया था। इसलिए करण शर्मा का नाम इस लिस्ट में अलग से मेंशन करना तो बनता ही है। जब पिछले साल पुजारा ने फॉर्म में काउंटी जाकर रन बनाए और इंडियन टेस्ट में वापसी की तो हम समेत बहुत से फैंस और एक्सपर्ट्स ने रहाड़े के इंडियन प्रीमियर लीग में रुकने पर सवाल उठाए। सबका कहना था कि IPL कभी एक जिम्मेदार खिलाड़ी के लिए टेस्ट टीम में वापसी का जरिया नहीं हो सकता, इसलिए इस बार उम्मीद थी कि अजिंक्य रहाणे IPL छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और रहाणे चेन्नई के साथ लगातार दूसरे साल बने रहते हुए IPL तक पहुंच गए। हालांकि सबको यही उम्मीद थी कि रहाणे को पुजारा की तरह बेंच पर बिठाया जाएगा और बस एक्सपीरियंस को नए स्टार तैयार करने के लिए यूज करेंगे, मगर चेन्नई के कप्तान धोनी है और वहां की हवा उम्र को सपोर्ट करती है। यही वजह है कि रहाणे को जल्द ही मौका मिला, जिसे उन्होंने दोनों हाथों से दबोचा और चेन्नई में पुराने प्लेयर्स की चलने की परंपरा को बरकरार रखते हुए
मुंबई के सामने शानदार 27 में 61, राजस्थान के सामने 19 में 31 और कल बैंगलोर के सामने 20 में 37 रन बनाए। इस इनिंग्स में सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि एक भी बार रहाणे का स्ट्राइक रेट 163 से नीचे नहीं आया, यानी रहाणे न सिर्फ मैच खेल रहे हैं बल्कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साफ साफ कहें तो रहाणे पुराने चावल की तरह अपनी महक आईपीएल में बिखेर रहे हैं। हो सकता है धोनी को इस लिस्ट में शामिल करने पर बहुत सारे माही फैंस भड़क जाएं, मगर ऐसा सच है कि माही की तो उम्र हो गई, इसलिए 42 साल के माही से किसी को अच्छी कप्तानी के अलावा कुछ खास उम्मीद नहीं थी। मगर आईपीएल में 236 मैच खेल चुके धोनी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले मैच में 7 में 14, दूसरे में 3 में 12 और चौथे में 17 में 32 रन बनाकर धोनी ने अभी तक हर क्रूशियल मोमेंट पर चेन्नई को आगे बढ़ाया है। खासकर लखनऊ के विरुद्ध तो धोनी के बैट से लगे 2 छक्कों की जितनी चर्चा रवि किशन की कमेंट्री की वजह से हुई, उतनी ही चर्चा की वजह चेन्नई की लखनऊ पर 12 रनों की जीत भी थी। फैंस ने खूब शोर मचाया कि चेन्नई की जीत वाले 12 रन तो धोनी ने ही बनाए हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है। इसके अलावा धोनी ने राजस्थान के सामने भी लगभग हारा हुआ मैच जिता ही लिया था। धोनी ने तो इस मैच में अपनी पावर हिटिंग का नेक्स्ट लेवल शो किया था, बिल्कुल चढ़कर ही धुलाई कर रहे थे। इसके अलावा धोनी अब भी विकेट के पीछे वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे हम उन्हें 2005 से देखते आ रहे हैं। इसलिए अगर पुराने चावल या कहे एक्सपीरियंस प्लेयर्स की लिस्ट बने तो उस काउंटडाउन में धोनी के अलावा किसी और का टॉप में आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।